नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्कवर बेस पे। दोस्तों आज मैं आपको यास्मीन मानक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर विदेशी महिलाओं या पुरुषों को बॉडी बिल्डिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको भारत की ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि महिला मिस एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। जी हाँ, यास्मीन मानक नामक महिला बॉडी बिल्डिंग में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। चंडीगढ़ की रहने वाली यास्मीन मिस डबल्स में स्वर्ण और मिस एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला हैं। बचपन में यास्मीन एक दवाई के कारण काफी बीमार पड़ गई थी। उनके बाल तेजी से झड़ने लगे थे और शरीर पर अजीब से निशान पड़ गए, जिसके कारण वो बाकी लड़कियों के मुताबिक कम खूबसूरत दिखने लगी। डॉक्टर ने उन्हें व्यायाम करने के लिए सलाह दी। यास्मीन के मसल्स बनाने की ठानी और बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। आज के समय में यह हर लड़की के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने एक जिम भी खोला है। उनका मानना है कि महिला को अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए, जिससे वह अन्य हानिकारक प्रभावों से बच सकती हैं। यास्मीन का 2016 काफी लकी ईयर रहा है। 2016 में उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस एशिया का खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में यास्मीन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इसके अलावा 2016 में यास्मीन ने मिस इंडिया फिजिक्स एंड फिटनेस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लेकर अपने देश का नाम रोशन किया था। उन्होंने 2016 में ही पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के मुकाबले के डबल्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। साल 2015 में सो यास्मीन बॉडी एक्सपो में वो दूसरे नंबर पर रहीं। यास्मीन ग्लैडरेक्स मिसेज इंडिया 2005 का खिताब भी अपने नाम पर कर चुकी हैं। वह एक एथलीट ही नहीं, बिजनेस वूमेन भी है। बता दें, यास्मीन गुड़गांव में अपना जिम भी चलाती हैं, जहां पर उन्हें सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी ट्रेनिंग देती हैं। यास्मीन एक बेटी की माँ भी हैं। उनकी बेटी का नाम तानिया शेख है और तस्वीर में ये यास्मीन अपने पति के साथ दिख रही हैं आपको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।